नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, आज ही बुधवार और आज ही चौथी नवरात्रि। आज माता कुष्मांडा की होती है पूजा, मतलब नव माता नव दुर्गा का ये जो रूप है कुष्मांडा स्वरूप, उनकी आज की जाती है पूजा। आज के दिन माता रानी को पीले पुष्प अर्पित कर मालपुआ का भोग लगाएं। आप देखेंगे, अगर घर में कोई ऐसा बच्चा है जो जिसका जिसकी बुद्धि का विकास कम हुआ है या नहीवत है, तो आज के दिन उसके हाथों से माँ कुष्मांडा को पीले पुष्पों की माला अर्पित करवा दें। ऐसे बच्चे के हाथों से आप हल्दी की गांठें माता कुष्मांडा को अर्पित करवाएं। आप देखेंगे उसकी बुद्धि का विकास होगा। आज के दिन जितना ज्यादा हो सके दोस्तों, हरी चीजों का दान करें। स्पेशली माता रानी के आगे आज आप पूजा के समय मेहंदी का कोन रखें और उसके बाद उस मेहंदी के कोनों का आज के दिन आप दान करें। दाम्पत्य जीवन में कोई भी तकलीफ होगी दूर हो जाएगी। आज के दिन गाय माता को चारा खिलाएं, जिससे आपके बुध मजबूत नहीं दोस्तों, जबरदस्त मजबूत बनते हैं। बुधवार का दिन वैसे भी बुद्धि को मजबूत बनाने वाला दिन है, बुद्ध को मजबूत बनाने वाला दिन है, है? मैं हमेशा बताती हूँ कि इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन कि उसका बुध बहुत मजबूत हो। अगर आपके बुध मजबूत नहीं है तो आपकी बुद्धि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेती है। जिनके भी बुध कमजोर है, आप कोशिश करें पन्ना धारण करें या पेरीडॉट। पेरीडॉट ऐसा स्टोन है दोस्तों जो घर में धन का ढेर लगा देता है। आपकी लाइफ में कहीं से भी पैसे आएंगे, लेकिन पैसे आने लग जाएंगे। जैसे पाइराइट, मैं बताती हूँ ना, पाइराइट अगर आपके पास है आपके घर में, और जितना ज़्यादा, ये ना सोचे कि नहीं मैंने तो इतना पाइराइट मंगाया है, पाइराइट जितना ज़्यादा आप घर में रखेंगे उतना घर में धन की वृद्धि होगी। और पेरीडॉट भी दोस्तों, अगर आप धारण करते हैं तो कभी पैसों की कमी नहीं होती। तो आज के दिन नवरात्रि का ये चौथा दिन है, छोटे छोटे से उपाय भी करें और कोशिश करें इस प्रकार के स्टोन्स घर में रखने की, ताकि आपकी बुद्धि का विकास हो सके। जिन लोगों ने भी घर में जेड स्टोन मंगवाया हुआ है, ग्रे नाइन चूरियन मंगवाया हुआ है, आज इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ऐसे हाथ रखें और ओम 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 का जाप करें। ये पत्थर और ज़्यादा एक्टिव होंगे और अपना काम शुरू करें। कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ एक ऐसी चीज है जिसको हमने चार्ज किया, लेकिन कोई नेगेटिव छाया पड़ने से चीज यहाँ से आप तक जा रही है। कोई नेगेटिव छाया पड़ने से, जैसे कि उस चीज का पावर थोड़ा कम हुआ है, तो जब जब मैं बताती हूँ उसको थोड़ा सा चार्ज फिर से कर दें, आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जरूर करें इस उपाय को। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।